हम प्राइवेट में जाए या कुछ भी करें तो सभी आते हैं, आज हम है तो कल और भी कोई होगा, आज तो हमारा गया भांजा। खरगोन जिले के भिकन गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में एक की मौत हो जाने पर थाने के सामने ही शव को रखकर इगरिया गांव के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मामला यह है कि एक महिला को बेड़े थाने के दावड़ गांव का संजू भगाकर ले गया था। महिला के भाग जाने की घटना के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें इगरिया गांव के रघुनाथ नवल की मौत हो गई थी। नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रघुनाथ की शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि बेड़िया थाने में प्रदर्शन दर्ज हो गया, लेकिन इगरिया के ग्रामीणों का आरोप था कि बेड़िया पुलिस आरोपी को बचा रही। भिकन गांव पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। मौके पर पहुंचे SDOP राजाराम अवस्या के सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण शांत हुए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। चैनपुर थाने का एक गांव इगरिया गांव है, वहां से संजू नाम का व्यक्ति एक महिला को लेकर वो गया था। वहां किसी दरबार के यहां मजदूरी नौकर था, वो यहां से उस महिला को लेकर गया था। तो ये जो यहां के लोग हैं इगरिया के और उनके रिश्तेदार वहाँ उस महिला को लेने के लिए या आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए गए तो उनके दोनों पक्षों में वहाँ विवाद हो गया, मारपीट हुई। मारपीट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ पर बेड़िया थाने में अपराध पंजीबद्ध भी हुआ है और वो अन्य और कोई लोगों की नाम बता रहे हैं। तो ये लोगों ने आके यहाँ थाने में मृतक की लाश थाने के सामने रख दी और उन्होंने मांग करी कि मुलजिमों को गिरफ्तार करो और इनके नाम ये है, एक आवेदन दिया है और कुछ मांगे रखी है। तो उनकी उनको समझाइश थी कि जो भी आपकी मांग है वो उसको हम कर देंगे और विवेचना पूरी करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसमें और कोई नाम सामने आए क्या सर? हाँ, दो चार के नाम बताए हैं, तो वो बयान देंगे, बयान लेने के लिए वो आएंगे, बयान देंगे, बयान में आएंगे तो उनके नाम प्रकरण में जोड़ दिए जाएंगे। क्या उन्होंने किसी नाम का उल्लेख किया हुआ है? हाँ, वो आवेदन में दिया है, अभी आवेदन मेरे पास है नहीं, जो भी होएगा और बता दूंगा। खरगोन जिला मुख्यालय पर श्रावण